हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो में ना मेरा मन कर रहा था कि यार पिज़्ज़ा खाया जाए, कि काफ़ी दिनों के पिज़्ज़ा नहीं खाया है। और मैं जिस रास्ते से ज़्यादातर आता जाता रहता हूँ ना, उस रास्ते पे मैंने एक स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा की स्टॉल देखी थी। तो मैं सोचा कि यार मैंने कभी भी स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया है, तो सोचा जब ट्राई करूँगा फर्स्ट टाइम तो आपको भी दिखाऊँगा साथ में। तो अभी सोच रहा हूँ कि यार आज जाऊँ और पिज़्ज़ा खाऊँ, घर पे लेके आऊँ, आज खाऊँ आराम से पिज़्ज़ा। तो अभी चलो मेरे साथ चलते हैं और स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा पहले बार ट्राई करते हैं एक बार। तो चलो यार अभी जल्दी से हम बाइक निकालते हैं अपनी। मैं उस स्टॉल पे पहुंच चुका हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी यहीं पहुंचा हूं। अभी इसका नाम है यहाँ पे साई पिज़्ज़ा पॉइंट। तो एक बार आप इसका ये मेन्यू देखो गाइस, ये है इसका पूरा वो है मेन्यू जो भी है। तो अभी हम तो ये करवा रहे हैं फार्म हाउस और मीडियम करवा रहे हैं, हम बस दो ही जने हैं तो मीडियम काफ़ी है हमको, तो अभी हम इसको मीडियम ही करवाएंगे। तो गाइस ये साइज़ है मीडियम वाले बेस का, काफ़ी सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी इसका टेस्ट हम देखेंगे कि कैसा आएगा। ये अभी अंकल ने पे प्याज व्याज डाल दिया है। अंकल चीज़ बिल्कुल अच्छे से डाल देना भर के। हाँ। तो अभी अंकल यार ठोक के चीज़ डाल रहे हैं। मैंने अंकल को बोल दिया है कि अंकल चीज़ बढ़िया होना चाहिए इसमें। अब अंकल कह रहे हैं बेटा कोई कमी नहीं रहेगी चीज़ में, पूरा चीज़ कस दूंगा मैं। अभी सही है यार, अब इसको प्रोसेसिंग होने दो, अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा 10-15 मिनट, फिर अपना पिज़्ज़ा लेके चलेंगे हम। हमारा पिज़्ज़ा अंदर जा चुका है बेक होने हो रहा, अंकल ने फुल चीज़ लोड कर दिया इस पर। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा वैसे बनने में, लेकिन जल्दी तैयार हो जाएगा। सर अभी मैं आपके साथ ही पहली बार ट्राई करूँगा फर्स्ट टाइम स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा, साई पिज़्ज़ा। सर साई पिज़्ज़ा किंग है ये, मैं इसको साई पिज़्ज़ा पॉइंट समझता था। तो कोई बात नहीं, बस हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। आप देख रहे हो अंकल निकाल रहे हैं पिज़्ज़ा और अभी हम इसको पैक करवाएंगे, फिर घर चल के हम पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि तुमको पिज़्ज़ा हमको कैसा लगा। और अभी अंकल इसको कट कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तैयार हो चुका है, पैक हो चुका है और अभी हम चलते हैं घर पे। पिज़्ज़ा को घर पे लेके आ चुके हैं और हमको मिला एक टमाटो केचप, अच्छा तीन टमाटो केचप है, इनको साइड में रखते हैं और अभी पिज़्ज़ा को अनबॉक्स करते हैं। तो भाई पिज़्ज़ा तो यार आप देख ही सकते हो काफ़ी सही, और मैं भी वैसे फर्स्ट टाइम ही करूँगा एक्सपीरियंस के एक स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा कैसा होगा, मैंने कभी खाया नहीं है। तो बाकी अभी एक बार इसकी स्लाइस तोड़ के देखते हैं हम। देखा भाई, तो भाई मतलब बिल्कुल सही था यार, मेरे को तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा होते हैं मेन अच्छे वाले पिज़्ज़ाज। स्ट्रीट साइड भी कुछ कम नहीं है यार, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ये। बाकी मैं आपको भी टेस्ट करके बताऊंगा कैसा लगा मेरे को। अभी बस ये एक ही पीस रह रखा है, लास्ट पीस है। तो अभी यार मैं इसको दो पीस खा चुका हूँ यार, काफ़ी बढ़िया था यार, मेरे को बिल्कुल मज़ा आया खाने में। और मतलब जो अलग ही दोस्त कोल का स्वाद होता है ना, जैसे बर्गर में भी हर चीज़ में स्वाद होता है वैसा, वैसे ही स्वाद इस पिज़्ज़ा में भी है यार, सच में मेरे को तो बहुत मज़ा आया खाने में। बाकी यार अभी देखो जरा इसको,
इधर पनीर है, बिल्कुल मेरी बाइट पे पनीर है, इसको तो खाऊंगा अभी मैं। अभी मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस एक स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा खाने का। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी हद तक बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि यार ये मैंने पहली बार ट्राई किया था एक स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा, और इसका स्वाद काफ़ी बढ़िया था, सच में काफ़ी बढ़िया था। जैसे एक हर चीज़ का अलग ही मसालेदार सा स्वाद आता है ना, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा करवा लो यार, मैंने इस पर बढ़िया अच्छे से चीज़ करवाया था, सब कुछ बढ़िया करवाया था, और फिर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा ये। अगर आपके पास भी आस पास कोई हो स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा, आप जाके ज़रूर ट्राई करो यार, आपको भी मज़ा आएगा खाने में। और तो अभी बस मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक तो करना, आपको पता है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ज़रूर प्लीज़। और यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को वायरल करो, शेयर करो यार, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है? तो बाय बाय बाय।